ATC ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत में तौसी पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। जमानतें अदम हाजिरी के बाइस खारिज की गयी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ के 3 मुकदमात की समाअत हुई। जज अबुल हसनान जुलकरनैन ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। वकील सलमान सफदर ने बताया कि चेयरमैन PTI पर कत्ल का मुकदमा दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में तौसी की तो ATC में क्यों नहीं हो सकती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि अदालत मुतअद्दिद बार चेयरमैन PTI को रिलीफ दे चुकी है, अब उनकी जमानत खारिज की जाए। दलाइल के बाद अदालत ने पहले फैसला महफूज किया और बाद अज़ां अपना महफूज किया फैसला सुनाते हुए थाना कन्हा में 2 और थाना बाराकहू में दर्ज 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी खारिज कर दी। अदालत ने अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म सुनाया। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात, बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।